अब रोजे की हालत में एक रोजादार इंजेक्शन लगवा सकता है या ले सकता है, इसके बारे में क्या कहती है शरीयत हमारी? मैं वही बात फिर यहाँ दोबारा कहना चाहूँगा जी कि बीमारी की हालत में इंजेक्शन की ज़रूरत, जी जी, किसी को बुखार आ गया तो उसे इंजेक्शन लेने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। वो इंजेक्शन आदमी अगर सुई से लेता है तो इंशाल्लाह उसे कोई उसके रोज़े पर असर पड़ने वाला नहीं। जी। लेकिन अगर कोई ताकत के लिए इंजेक्शन लेता है, ताकत से मुराद क्या लेना चाह रहे हैं? यानी कुव्वत, यानी इस रोज़े में मुझे तवानाई हासिल हो जाए। जी नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, यही पूछना चाह रहा हूँ कि मजबूरी की बिना पर, बीमारी की बिना पर अगर कोई इंजेक्शन लेना चाह रहा है तो उसके लिए क्या हुक्म? जी हाँ, मैं वो बात कह चुका आपसे कि बीमारी की हालत में अगर कोई लेता है तो इंशाल्लाह कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर इंसान तवानाई के लिए, ताकत के लिए, इसे ग्लूकोज का इंजेक्शन ले ले, जी बिल्कुल, या ग्लूकोज इंसान के बदन के अंदर दाखिल किया जाए, जी, तो ये चीज़ें इंसान के रोज़े को तोड़ देने वाली चीज़ें। मसलन कोई कहे कि मुझे भूख ना लगे, मुझे कुव्वत आ जाए ताकि रमज़ान के रोज़े में रख सकूँ, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, तो ऐसा अमल दुरुस्त नहीं है और इसे गज़ा में शुमार किया जाएगा, और गज़ा जब पेट में दाखिल होती है तो इंसान का रोज़ा ख़राब हो जाता है। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ ज़रूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।